जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने तब लोकतंत्र का सिस्टम, लोकतंत्र का सिस्टम। मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन, ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन #, मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन #, मतदाता जंक्शन। रिमझिम गिर सावन। नमस्कार, मैं हूँ भारती। वर्षा के इस भीगे भीगे मौसम में मतदाता जंक्शन के एक नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तन मन को भिगोती इस वर्षा का इंतजार हम सबको रहता है, क्यों भारत? बिल्कुल सही कहा भारती आपने। नमस्कार दोस्तों, और जहाँ तक इंतजार की बात है, एक बात मैं भी जोड़ दूँ, मतदाता जंक्शन की वर्षा का इंतजार भी तो हम सबको हर सप्ताह बेसब्री से रहता है ना। हाँ, और ये वर्षा तो कहीं ना कहीं होती ही रहती है, मतलब रेडियो पर भी और दूसरे माध्यमों पे भी, और हमारे मतदाताओं को उत्तरदायित्व की भावना से आनंदित करती रहती है। और उत्तरदायित्व की इसी भावना का कितना अच्छा परिचय दिया है अभी हाल ही में सम्पन्न कर्नाटक राज्य के हमारे मतदाताओं ने। और रिकॉर्ड मतदान 73.19% का आंकड़ा हमारे सामने आया। कुछ ही महीनों में एक बार फिर विधानसभा चुनाव की मुनादी होने वाली है, तो वोटर्स भाइयों और बहनों, तैयार है ना आप कर्नाटक के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ने के लिए? इस तरह के उत्साहजनक आंकड़े को प्राप्त करने के लिए ये जरूरी है कि मतदाताओं में उसी तरह का जुनून हो जैसा हमें अभी कर्नाटक के चुनाव में देखने को मिला है। पर ऐसा जुनून और जज्बा कोई नई बात नहीं है, हर चुनाव में मतदाताओं की ऐसी प्रेरक कहानियां निकल कर सामने आती हैं, जो अपने इस लोकतंत्र के प्रति हमारे विश्वास को और पुख्ता करती हैं। और सिर्फ मतदाता ही नहीं बल्कि चुनाव की मशाल उठाए समर्पित अधिकारी, स्वयंसेवक और अन्य कर्मचारी जो पूरी निष्ठा के साथ आगे बढ़ते रहते हैं चाहे कितनी ही दुश्वारियां सामने हों, बिल्कुल एक हीरो की तरह, यानी इलेक्शन हीरो। और इसीलिए आज के प्रोग्राम में बात होगी ऐसे ही कुछ इलेक्शन हीरोज के बारे में। लेकिन हमारे इस जंक्शन के दो मुख्य किरदार अभी पहुंचे नहीं हैं, तो हमारे मुख्य किस्सा वो चुनावी चाचा और कल्पना की प्रतीक्षा करते हैं और मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हम भारत के मतदाता, देश हमारी शान। हम भारत के मतदाता, देश हमारी शान। लोकतंत्र हमको प्यारा है, ये सबका अभिमान। फर्ज हमारा सबसे पहले मन का मतलब जाने हम। इसकी ताकत इसकी फितरत अच्छे से पहचाने हम। हम भारत के मतदाता, देश हमारी शान। हम भारत के मतदाता, देश हमारी शान। लीजिए, समाप्त होती है प्रतीक्षा की घड़ी और आ गई है अपने चुनावी चाचा जी और कल्पना जी की सवारी। कैसे हो बच्चों? नमस्ते चाचा जी। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते कल्पना। नमस्ते नमस्ते। अरे भारत भारती, आज आप लोग किस माथा पच्ची से जूझ रहे हो? चाचा जी, हम बात कर रहे थे इलेक्शन हीरोज की, यानी कि हमारी निर्वाचन प्रक्रिया के नायकों की। आप ही बताइए चाचा जी, इलेक्शन हीरो हम किसको कह सकते हैं? बच्चों, इलेक्शन हीरोज हमारे लोकतंत्र के वो नायक नायिकाएं हैं जिनके समर्पण, कर्तव्य, उत्तरदायित्व और निष्ठा से हमारे गौरवशाली लोकतंत्र का परचम लहराता रहता है। बिल्कुल। वोटरों के लिए वे प्रेरणा के केंद्र होते हैं। उन्हें देख हमें अपने लोकतंत्र पर, अपनी मतदान प्रक्रिया पर गर्व होता है। जी चाचा जी, आप तो ऐसे कई नायक नायिकाओं को जानते होंगे, तो कुछ बताइए ना उनके किस्से। देखो बच्चों, अपना चुनाव आयोग उन लोगों को इलेक्शन हीरो बताता है जिन पर ना तो उम्र का असर नजर आता है और ना हारी बीमारी का। जी। वे लोकतंत्र के महापर्व में अपनी बेशकीमती भूमिका निभाते हैं। अपनी सहूलियत की परवाह किए बिना मतदान केंद्र पर पहुंच जाते हैं और वोट डाल आते हैं। अच्छा जी। और पता है, साथ ही चुनाव के तंत्र में हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के निर्वहन में तन मन से जुटे तमाम ऐसे निष्ठावान अधिकारी, कर्मचारी, स्वयंसेवक आदि जो बिना थके, रुके या फिर विचलित हुए अपने कार्य को अंजाम देने में बस लगे रहते हैं। चाचा जी, अब क्यों ना आपसे ऐसी कुछ और कहानियां सुनी जाएं? हाँ हाँ, क्यों नहीं बच्चों, चलो तो फिर शुरू करते हैं।
अभी हाल ही में कर्नाटक विधानसभा का चुनाव हुआ। मतदान के दिन देश भर के अखबारों में एक सज्जन की कहानी छपी। आपने तो उत्सुकता बढ़ा दी। कौन थे वे? वे थे हमारे वयोवृद्ध मतदाता 107 साल के मेजर गुत्थू आनंद अलवा। दक्षिण कन्नड़ जिले के बंगा बेटू मतदान केंद्र पर उन्होंने अपना वोट डाला। और आपको पता है बच्चों कि हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार ने उनकी इस जिजीविषा को नमन करते हुए उनसे विशेष रूप से टेलीफोन से बात की। 107 साल के मेजर गुत्थू? और नहीं तो क्या बिटिया, उन्होंने एक भी चुनाव ऐसा नहीं रहा जिसमें वोट नहीं डाला हो। अच्छा? अब बताइए, कह सकते हैं ना इन्हें इलेक्शन हीरो? सही कहा चाचा जी आपने। उनकी ये प्रतिबद्धता बताती है कि लोकतंत्र के महापर्व पर अपने लोकतांत्रिक अधिकार और उत्तरदायित्व पर उन्हें कितना भरोसा है। पता है, ऐसे मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने अब घर पर ही वोट डालने की सुविधा देनी शुरू कर दी है। यानी वे अपने घर से ही वोट डाल सकते हैं। बिल्कुल भारती बेटिया। चाचा, इसे हम कह सकते हैं अपने इलेक्शन हीरो का सम्मान। बिल्कुल ठीक कहा बच्चों। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में ऐसे कई हीरो सामने आए, जैसे मंगलुरु की एक महिला जो अपने 40 दिन के बच्चे को लेकर वोट देने पहुंच गई। पहले वोट दिया, फिर अपने बच्चे को वैक्सीन दिलाने अस्पताल गई। क्या बात, कुछ और बताइए ना ऐसे हीरोज के बारे में। अरे जरा दम तो धरो। क्या करें चाचा जी, रहा नहीं जा रहा है। अच्छा चलो, तुम्हें याद दिलाता हूँ हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की। वहाँ एक सज्जन रहे श्याम शरण नेगी। हाँ हाँ चाचा जी, एकदम अच्छे से याद है। नेगी जी की तब उम्र थी 102 साल। अच्छा। उन्होंने पहले चुनाव से लेकर अब तक के हर चुनाव में मतदान किया था। इतना ही नहीं, दो चुनावों में उनकी ड्यूटी भी लगी थी क्योंकि वे अध्यापक थे। चाचा जी, ऐसे हीरो का तो सम्मान बनता ही है। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए ऐसे हीरोज का सम्मान। लेकिन अफसोस, हिमाचल चुनाव में वोट डालने के बाद नेगी जी नहीं रहे। ओ। लेकिन वे वोटरों के लिए मिसाल रहे। पर चाचा जी, इलेक्शन हीरो केवल हमारे बुजुर्ग ही नहीं होते, दिव्यांगजन भी हैं। वे लोग भी हैं जो चल फिर नहीं सकते। बिल्कुल ठीक। और बीमारी की वजह से परेशान हैं। लेकिन लोकतंत्र के महापर्व में अपना योगदान देने से हिचकते भी नहीं। कुछ लोग तो एग्जामिनेशन सेंटर या शादी के मंडप से भी, पता है, सीधे मतदान केंद्र पे पहुंच जाते हैं। बिल्कुल सही कहा कल्पना तुमने। याद है पंजाब विधानसभा चुनाव में एक दूल्हा और दुल्हन सीधे शादी के मंडप से वोट डालने आ गए थे। हाँ, ऐसी तो जाने कितनी कहानियां हैं बच्चों। अभी हालिया कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही दिखा। उडुपी जिले के कपू विधानसभा सीट पर वोट डालने दुल्हन सीधे पहुंच गई। अच्छा। वो दुल्हन रही मेलिता सोरस। व्हाइट गाउन में सीधे चर्च से आकर वोट डाला था मेलिता ने। अच्छा। वाह, इसे कहते हैं जज्बा। असल में ऐसे ही मतदाता है इलेक्शन के हीरो, जो अपनी मसरूफियत के बावजूद लोकतंत्र के यज्ञ में आहुति डालने का वक्त निकाल ही लेते हैं। हाँ, ये बात तो है। पर चाचा जी, नींव के उन पत्थरों को हम कैसे न याद रखें जिनके ऊपर लोकतंत्र की मजबूत इमारत शान से अपना सर उठाए खड़ी रहती है। क्या मतलब कल्पना? देखिए, हर चुनाव अपने आप में एक कठिन अग्नि परीक्षा होता है। बिल्कुल। खास तौर पर तैयारियों में जुटे निर्वाचन आयोग के लिए, हर वोटर को मतदान के दिन पूरी सुविधा मिले और निर्विघ्न निष्पक्ष चुनाव संपन्न हो, इसके लिए बड़ी कवायद करनी पड़ती है। सही कहा तुमने कल्पना बिटिया। कुछ ऐसे ही किस्से याद आ गए मुझे। अरे वाह वाह, तो बस सुना ही दीजिए। उससे पहले तुम जरा एक जोश भरा गीत तो सुनवा दो भारती बिटिया। जरूर जरूर, ये लीजिए। चलो मतदान करें, खुद अपनी नगरी का नव निर्माण करें। चलो मतदान करें, चलो मतदान करें, चलो मतदान करें, चलो मतदान करें। अपने वोट की कीमत को हमने अब पहचाना है, बहकावे में आके नहीं इसे व्यर्थ गंवाना है। अपने प्रत्याशी की पहले खुद पहचान करें। चलो मतदान। अब कहिए चाचा जी, तैयार है ना आप किस्से के साथ? किस्सा तो तैयार है भारती बिटिया, पर सुनाने वाला कोई और है। और कौन चाचा जी?
मेरे मोबाइल फोन में सुरक्षित रखी है ये रिकॉर्डिंग जो मेरे पास बहुत दिनों से है। अरे तो फिर आपने अब तक सुनाई क्यों नहीं? जब वक्त आया तो याद आई। ये मुझे भेजा है मिजोरम विधानसभा चुनाव में तैनात पोलिंग पार्टी के एक सदस्य ने। लीजिए आप सब भी सुन लीजिए। बिल्कुल। इस अपबीती को आपके साथ साझा करते हुए आज भी रोमांच हो जाता है। मिजोरम के लुंगलाई जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं और इनमें दूरदराज तक फैले 184 मतदान केंद्र कुछ तो दुर्गम की श्रेणी में आते हैं। सड़क संपर्क भी नहीं। ऐसे 5 विधानसभा क्षेत्र सुमासुमी, तुकावी, डिबलीबाग, उगदासुरी और चोकावालुई के लिए उनकी भौगोलिक निकटता की वजह से मोटर चालक छोटे नावों की व्यवस्था की गई। हमारी टीम के कुछ सदस्य तो इस अनुभव से प्रसन्न थे जबकि कुछ डरे हुए थे क्योंकि तेज प्रवाह में नौका अस्थिर हो जाती थी। 15 किलोमीटर के बाद मलाहू ने बताया कि अब हम पहली नमक जगह पहुंच रहे हैं जिसका मतलब था आदमखोरपुर। ये जगह दुर्घटनाओं के लिए प्रसिद्ध थी। नौकाओं पर कोई लाइफ जैकेट भी नहीं थी। हम सब मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे। आधे घंटे का चिंताजनक समय किसी तरह गुजर गया और हम नियत स्थल कवि जाओ पहुंच गए। हम में से कई के लिए तो ये जीवन का सबसे लंबा आधा घंटा था। मतदान का दिन भी ठीक ठाक गुजर गया। वापसी की यात्रा में फिर उसी मानसिक अंतर्द्रुत का सामना करना पड़ा। वे यात्रा भी पूरी हो गई। हमारी टीम के हर सदस्य का चेहरा संकल्प की एक अद्वितीय ज्योति से अलंकित था। वाह क्या बात है चाचा जी, इस रिकॉर्डिंग ने तो हम सबको मंत्र मुक्त कर दिया। बिल्कुल सही कह रही हो भारती, ऐसी तमाम कहानियां हैं और सचमुच संकल्प के बिना तो ये बिल्कुल संभव नहीं है। इसी बात पर भारत, क्यों ना आपने एक श्रोता की रिकॉर्डिंग भी सुन ले जो उन्होंने हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजी है। हाँ हाँ क्यों नहीं, हमारे श्रोता पूरे मन से इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मिसबा शमसी। मैं नगीना जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश में रहती हूँ। मैं मतदाता जंक्शन कार्यक्रम के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ, जागो जागो ओ मतदाता, ये लोकतंत्र का नारा है। घर से निकल बूथ पर पहुँचो, हिंदुस्तान हमारा है। मतदान करें सब मतदाता, ये मंत्र फूंकते जाना है। इस लोकतंत्र की गंगा में हम सबने पुण्य कमाना है। जाति धर्म से ऊपर उठकर लोकतंत्र मजबूत करो, प्रलोभन और झूठे वादे लोकतंत्र से दूर करो। अब मतदान की ताकत को मतदाता को समझाना है। मतदान करे हर मतदाता, अब शत प्रतिशत लक्ष्य बनाना है। वाह क्या खूब विचार व्यक्त किया है इन्होंने। हमारे और सुनने वाले भी हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर तो आपको पता ही है भारती। अब समय मतदाता जंक्शन के क्विज सेक्शन का। क्यों नहीं भारती जी, पिछले बार का सवाल था 3 प्रकार के मतदाता। पहला 40% से अधिक दिव्यांग, दूसरा 80 साल के ऊपर वृद्धजन, और तीसरा कोविड से ग्रसित रोगी मतदान हेतु किस विशेष सुविधा के लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसका सही जवाब है ऑप्शनल यानी वैकल्पिक पोस्टल बैलेट। अब बताइए विजेता का नाम। भाग्यशाली विजेता बने हैं SM शोभा हासन कर्नाटक। आपको बहुत बहुत बधाई। और अब बारी इस एपिसोड के सवाल की। प्रश्न है, इस वर्ष 2023 में कितने राज्यों में चुनाव होने हैं। सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए, इस वर्ष यानी 2023 में कितने राज्यों में चुनाव होने हैं। अपना जवाब हमें व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 9999031950। मतदाता जंक्शन पर आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। फिर मिलेंगे निर्वाचन से जुड़े ऐसे ही किसी नए और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जब जुड़े लोग से लोग वोट से वोट बने तब लोकतंत्र का सिस्टम। लोकतंत्र का सिस्टम। मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन #, मतदाता जंक्शन। मतदाता जंक्शन #, मतदाता जंक्शन।